जितना बड़ा हमारा पात्र होगा उतना ही जल हम भर सकते हैं, जितना मांगते हैं उतना हमें मिल तो जाएगा। देखिए दो प्रकार की भक्ति होती है, कौन सी भक्ति? एक सकाम और एक निष्काम। यहाँ जितने लोग बैठे हैं भक्ति तो करते हैं, सब कोई भक्ति तो करते होंगे, इसलिए कथा श्रवण करने आए हैं। लेकिन हमारी भक्ति थोड़ा अलग प्रकार का है। कैसे? मैंने जैसे बताया दो प्रकार की भक्ति होती है, एक सकाम और एक निष्काम। अब बात करें सकाम भक्ति की, तो व्यक्ति आजकल के लोग सकाम भक्ति करते हैं, भगवान के मंदिर गए और नारियल चढ़ाया, जल चढ़ाए, बेलपत्री चढ़ा दिए, फिर भगवान से सब कुछ मांग लिए, हमारे लिए ये चाहिए वो चाहिए, ये दो वो दो, घर में धन की कमी ना रहे, घर में कभी झगड़ा ना हो, बच्चे सुखी रहें, बेटा की जल्दी शादी हो जाए, बहू आए तो एक नंबर काम करने वाली आए, बहुत सारे मांग हैं। इसे कहते हैं सकाम भक्ति। हम एक नारियल चढ़ा रहे हैं तो उसके बदले में हजारों वरदान मांग रहे हैं। और दूसरा भक्ति निष्काम, भगवान के मंदिर जा रहे हैं, भगवान का सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन कभी कोई कामना नहीं है। सुंदर भाव से, सुंदर मन से हम हरि को चाहते हैं, सुंदर भाव से भगवान का आराधना करते हैं, उसे कहते हैं निष्काम भक्ति। और प्यारे, अगर आप भी निष्काम भक्ति करोगे तो भगवान आपको सब कुछ देंगे। मांगने से बस उतना मिलता है जितना हमने मांगा, भगवान से मांग रहे हैं, हमारे हम जितना मांग सकते हैं सब मांग लिया, भगवान ने दे दिया, लेकिन मांगने से बस उतना मिलता है जितना हम में क्षमता हो मांगने का। जितना बड़ा हमारा पात्र होगा उतना ही जल हम भर सकते हैं, जितना मांगते हैं उतना हमें मिल तो जाएगा, लेकिन जो भगवान से कुछ भी नहीं मांगता उसे भगवान सब कुछ दे देते हैं।